Assalamualaikum, hope you all are fine. Welcome to my channel. आज हम डिस्कस करते हैं मैरिज न्यूज़ ऑफ फेमस पाकिस्तानी एक्ट्रेस मिनके मशहूर पाकिस्तानी अदाकारा की शादी की न्यूज़। सो वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मज़ीद न्यू नोटिफिकेशन रिसीव हो सकें या आपकी तरफ से दिया गया गिफ्ट होता है माई हार्ड वर्क का। सो बढ़ते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तो जो पाकिस्तानी एक्ट्रेस है मशहूर अदाकारा मंशा पाशा को तो सभी जानते हैं, बिकॉज शी इज़ अ वेल नोन पाकिस्तानी एक्ट्रेस और ये एक बेहतरीन मॉडल भी हैं। इन्होंने काफ़ी सारे ड्रामास में वर्क किया है, इन लाइक आंगन हो गया, तो दिल का क्या हुआ, रिसेंटली मोहब्बत तुझे अलविदा चला है, इनकी शादी हुई थी 2013 में असद फारूकी के साथ, फिर इनके रिलेशनशिप्स कुछ अच्छे नहीं चले तो इनकी 2018 में इनकी शादी टूट गई और इनको डिवोर्स मिल गई असद फारूकी से। तो फिर ये जो है ये अपने एक्टिंग करियर में भी लगी रहीं और इन्होंने मॉडलिंग भी की करती रहीं और उधर से फेमसिटी हासिल करती रहीं और फिर इन्होंने एक अपना बॉयफ्रेंड भी बना लिया जिसका नाम मोहम्मद जिब्राना था, जो कि सोशल एक्टिविस्ट और लॉयर भी थे। तो फिर इन्होंने इनको एक दूसरे के साथ मोहब्बत होगी तो फिर इन्होंने आज ही शादी की है और ये इस शादी की न्यूज़ जो है ये बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग न्यूज़ बन चुकी है और सभी अदाकार इस शादी से बहुत ज़्यादा खुश हैं, बिकॉज सेकेंड मैरिज करना कोई गुनाह नहीं है। इनको बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशंस भी मिली हैं, पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस ने इन्हें बहुत ज़्यादा मुबारकबाद भी दी है, आयजा खान ने और सब ने, सबा कमर ने, जितने भी एक्टर्स हैं पाकिस्तान के सब ने इनको खूब अप्रिशिएट भी किया कि इन्होंने शादी की है और ये बहुत ज़्यादा खुश हैं। इन्होंने ट्वीट किया कि इनको बेहतरीन हम सफ़र मिला है और आपको क्या आप बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि इनकी जो शादी हुई है वो ज़बरदस्त हुई है कि नहीं और इनका कपल आपको कैसा लग रहा है ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम मोहम्मद जिब्रान नासिर के साथ और अब आप हमें इजाज़त दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन। अल्लाह हाफिज़।